इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बड़ा सवाल, मध्य प्रदेश में कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार की आखिर वजह क्या है? हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सारंग साहब, इंडिया टीवी को वक्त देने के लिए शुक्रिया। एक बड़ी खबर जो हमने आज सुबह सुनी कि 18 ऐसे जिले हैं जहां पर लॉकडाउन को लेकर फैसला लिया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू को लेकर तो अभी तक फैसले लिए गए थे, क्या ऐसी वजह है? किस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं कि अब कड़ा एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, लॉकडाउन को लेकर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक कर इसका पूरा निर्णय, लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति का नहीं है। वैसे वैसे मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि 100% पूरी तरह का लॉकडाउन के वो पक्षधर नहीं है, क्योंकि हमें दोनों चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। हमें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी चले और उसके साथ साथ वो संक्रमण से भी बचें, इसका पूरा ध्यान देना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा है कि पूरी तरह के लॉकडाउन के वो पक्षधर नहीं है और हम भी पक्षधर नहीं है। मुख्य मुद्दा यह है कि हम और समाज स्वयं अनुशासित होते हुए इस संक्रमण से अपने को और अपने परिवार को बचाए। जहां तक सरकार का मानना है, सरकार ने हर स्तर पर अपनी इस चुनौती को स्वीकार किया है और मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को भी विश्वास दिलाता हूं कि दोनों आयाम पर, सबसे पहले संक्रमण को रोकना और दूसरा यदि जो संक्रमित हो गया है उसका इलाज करना, इन दोनों पक्षों पर हमारी सरकार पूरी दृढ़ता के साथ काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां तक आपने जो जैसा कहा कि शहरों में लॉकडाउन बढ़ाने वाली बात, उसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फुल फ्लेज्ड लॉकडाउन की बात नहीं है। मुद्दा यह है कि लोग स्वयं अनुशासित होकर भीड़ इकट्ठी ना करें पर लोगों की रोज की जिंदगी भी चले, ये भी हमारा पक्ष है। जहां तक मरीजों के इलाज की बात है, उसमें हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है हर चुनौती को का सामना करने को। ये बात सही है जैसा आपने बोला कि पूरे देश के सामने बड़ी चुनौती है, बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। हम जो पहले सोचते थे कि पीक था, उस बहुत ऊपर बढ़ गया है। मैं बताना भी चाहूंगी कि 10 मार्च को जहां एक्टिव केसेस 3915 थे, वहीं एक महीने बाद 10 अप्रैल को बढ़कर 32,707 हो चुके हैं, 10 गुना ज्यादा। थोड़ी देर पहले आपने सीएम साहब के साथ भी मीटिंग की है और सीएम साहब खुद कहते हैं कि आर्थिक रूप से इंसान टूट जाता है जब लॉकडाउन की बात सुनता है, तो इस तरह 10 गुना जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उस हालात को लेकर कैसी तैयारी? देखिए, हमारी तैयारी पूरी है सर, जैसा मैंने कहा कि प्रत्येक जिले में जहां जैसा हमारा एस्टिमेटेड, हम तो 30 अप्रैल तक का पूरा एस्टिमेट हमने बनाया, यदि इसी रफ्तार से केसेस बढ़ेंगे तो हम उसकी भी तैयारी में है पूरे हर स्तर पर। अभी भी मैं हमारा जो भोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज है, जो हमारा गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है, उसी में बैठा हुआ हूँ, उसी की जो रिव्यू मीटिंग से मैं उठकर आपके साथ जुड़ा हूँ। यहाँ पर बिस्तर बढ़े पूरे प्रदेश में, हर स्तर पर, हर जिले में हम बिस्तरों को बढ़ाएं और इसमें दोनों सेगमेंट, हमारा गवर्नमेंट का सेटअप और प्लस प्राइवेट सेटअप, हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके, दोनों को सिंक्रोनाइज करके मध्य प्रदेश में बिस्तरों की पूरी उपलब्धता उसको सुनिश्चित कर रहे हैं, ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर रहे हैं, वेंटिलेटर पूरी तरह से उपलब्ध हो सके उसकी, उसको सुनिश्चित कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया गया क्योंकि मांग के मुकाबले आधी आपूर्ति है, जहां डिमांड 7,000 की है वहीं मिल सिर्फ 3,000 रहे हैं। और अगर मैं ऑक्सीजन की कमी बात करूं तो भोपाल, उज्जैन और सागर से कई रिपोर्ट्स आए, इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी भी एक बड़ा मुद्दा इंदौर में देखा गया। देखिए, दो बातें मैं कहना चाहता हूँ, आज की तारीख में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जितनी ऑक्सीजन की आपूर्ति की जरूरत है उतनी ऑक्सीजन हमें मिल रही है। सुरभी, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, कल मीडिया के सामने भी हमने ये तथ्य रखा था कि जिस अनुपात में हमारे केसेस बढ़ रहे हैं उससे कम से कम 200 गुना ज्यादा हमारा ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमने ये जरूर देखा है कि मे बी कि या तो इस ऑक्सीजन की का मिसयूज हो रहा है, जहां पर जरूरत है उससे ज्यादा ऑक्सीजन लग रही है, या कहीं और कोई मामला है, इसको लेकर हम काम कर रहे हैं। पर मैं विश्वास दिलाता हूं ऑक्सीजन को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने रेमडेसिविर की बात की, रेमडेसिविर मामले में भी मैंने कल स्वयं प्रेस ली थी और ये बात कही थी कि इस मामले में जो एम्स का और आईसीएमआर का जो प्रोटोकॉल होगा उस हिसाब से जिस मरीज को रेमडेसिविर की जरूरत होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आगे बढ़कर लगभग 1,00,000 इंजेक्शन रेमडेसिविर लेने का हमने टेंडर किया है, पर जब तक टेंडर
की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तो हमने सीएसआर के माध्यम से भी हर शहर में रेमडेसिविर उपलब्ध करा दिए हैं और 3 दिन पहले से उसकी आपूर्ति सुनिश्चित हो गई। अब रेमडेसिविर की को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कियोस्क जो मचा है सुरभि, वो इसलिए मचा है कि हर आदमी को लगता है कि वो रेमडेसिविर लगाए, जबकि इसका प्रोटोकॉल अलग है, जिसको लंग इंजुरी है उसी को लगना है। तो इस तरह का कोई कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ इलाज को लेकर हमारी सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है और हम हर चुनौती का सामना भी करेंगे और उसको पूरी तरह से उससे निपटने को भी तैयार है। सरन साहब, बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर रिपोर्ट्स आई राजगढ़, भीड़ और शिवपुरी से भी, और ये भी बताया गया कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, हालांकि जिनको पहली डोज लग चुकी है दूसरी डोज के लिए भी इंतजार। नहीं सुरभि, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगभग 4,000 सेंटर पर हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, सोमवार बुधवार गुरुवार और शनिवार, 4 दिन यह हमारा कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है और बाकी 2 दिन हम जो बाकी बच्चों का वैक्सीनेशन है उस प्रोग्राम को ले रहे हैं। हमारे यहाँ पूरी तरह से जितने डोजेस की जरूरत होती, लगभग हम 4 लाख लोगों को रोज वैक्सीन लगा रहे हैं, हमारे पास वो उपलब्धता। मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद दूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि इस पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को जो केंद्र सरकार ने डिजाइन किया है वो बहुत ही अच्छा है और उस हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपने कैसे किन्हीं शहरों का नाम लिया, मैं उसकी मालूमात जरूर करूंगा, पर मैं विश्वास दिलाता हूँ वैक्सीनेशन को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लगातार जन जागरण, वैक्सीन लोग लगवाएं, वैक्सीन सुरक्षित रूप से लग सके, इसकी पूरी व्यवस्था हमने की है और कहीं वैक्सीनेशन को लेकर दिक्कत नहीं। सर, इस पूरे स्टेट में अगर देखें तो जहां 10 मार्च की अगर हम बात करें तो 3 लोगों की कोरोना की वजह से जान जा रही थी, आज 10 अप्रैल को हम देख चुके हैं 24 लोग एक दिन में 24 घंटे में अपनी जान गंवा रहे हैं। अगर कुछ रिकॉर्ड्स की अगर मैं यहां बात करूं तो खबरें ये भी आ रही हैं कि मृत लोगों के रिकॉर्ड्स कहीं तरह से आंकड़े सही तरीके से दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। नहीं सुरभि, मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको, सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम किसी भी रिकॉर्ड को रोकें। सुरभि, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि हम किसी की मृत्यु को रोक सकें या छुपा सकें। जहां तक जो आंकड़ों में परिवर्तन है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, आप मेरी इस बात से स्वीकार करेंगे, जहां पर अंत्येष्टि हो रही है वहां पर पहले कोरोना के जो पेशेंट थे उनका कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से अंत्येष्टि होती थी शमशान घाट पर। अभी ये निर्णय लिया गया है कि जो सस्पेक्टेड कोरोना के केसेस हैं उनकी भी उसी प्रोटोकॉल के साथ अंत्येष्टि होगी, क्योंकि जब सस्पेक्टेड होता है, दो बातें मैं आपके सामने जरूर बताना चाहता हूँ, जो RT-PCR की रिपोर्ट है और जो रैपिड एंटीजन की रिपोर्ट है उसमें ये कहा जाता है, बहुत बार वो रिपोर्ट गलत भी होती है, पॉजिटिव की भी नेगेटिव आती है, तो इसलिए ये निश्चित किया गया है कि जो सस्पेक्टेड कोरोना की डेथ है उनको भी उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी अंत्येष्टि की जाए जैसे जैसी कोविड के मृत्यु की होती है। इसलिए वो आंकड़ों में कहीं कहीं हम देख रहे हैं, कोई बोलता है कि आंकड़े कुछ आ रहे हैं, इतना अंत्येष्टि हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सरकार की ओर से ये विश्वास दिलाता हूँ हम किसी भी तरह से किसी भी आंकड़े को छुपाने के पक्षधर नहीं है, जो वस्तु स्थिति है प्रदेश की वो जनता के सामने मीडिया के सामने आए, ये सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार ने कहीं भी किसी भी आंकड़े को ना छुपाया है ना छुपाएंगे। बहुत बार ये होता है कि बहुत जरूरी था इन सवालों का जवाब लेना भी, क्योंकि आपसे बेहतर इस हालात को और ज्यादा कौन अच्छे से हमें बता पाता। लेकिन एक सवाल यहाँ पर है कि क्योंकि टोटल 52 जिले आते हैं MP की अगर हम बात करते हैं, 51 जिलों में हमने देखा कहाँ कहाँ पर लॉकडाउन को लेकर या हालात को मॉनिटर करने के लिए भी कड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन दमोह में एक तरफ जहां हम देखते हैं CM साहब कहते हैं कि घर के अंदर रहें, यहां वो क्योंकि उपचुनाव है इसलिए यहां लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला नहीं और कहते हैं कि बाहर आइए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, वोटिंग भी करिए। देखिए सुरभि, दो चीजें मैं कहना चाहता हूं कि कहीं भी लॉक, जैसे मैंने पहले निवेदन किया कि लॉकडाउन वाली स्थिति कहीं और है और दमोह में नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहां तक दमोह का मामला है तो चुनाव है और ये बात बिल्कुल सही है कि सभी राजनीतिक दलों के कार्यक्रम हो रहे हैं, पर हमारी पार्टी ने इस बात को लेकर जरूर लोगों से अपील की है कि चुनाव में हिस्सा लें, क्योंकि लोकतंत्र में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना ये इस देश के नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये सवाल उठाया, क्या दमोह में कोरोना नहीं है, क्या वहां तो 20 से भी ज्यादा मामले आ रहे हैं। लेट मी फिनिश, मैं जो कहना चाहता हूँ, हमारी तरफ से जनता से और वोटर से ये जरूर अपील है कि वो सुरक्षा के साथ कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए ही चुनाव में हिस्सा लें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हमारी पार्टी इस बात को लेकर और ज्यादा गंभीरता के साथ काम करेगी कि दमोह में भी यदि कोई राजनीतिक
कार्यक्रम होते हैं तो उसमें कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए, और मैं सभी से निवेदन करूंगा, क्योंकि देखिए इसमें आत्म जो नियंत्रण है और हमारा खुद का जो अनुशासन है वही हमें इससे बचा सकता है। हमें अपने को और अपने परिवार को संक्रमण से रोकना है तो केवल सरकार के डंडे से काम नहीं चलेगा, सरकार की व्यवस्था से ही काम नहीं चलेगा, वो तो काम करेगी, पर आत्म अनुशासन भी हम बनाकर रखें और ये सुनिश्चित करें कि हम अपने को और अपने परिवार को इससे बचा करें। और बड़ी बात विश्वास सारंग साहब आप यहाँ कह रहे हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि हर एमपी वासी को ये समझना भी बहुत जरूरी है, और जो प्रयास यहाँ सीएम की तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये जरूर देखा है सारंग साहब, सीएम साहब खुद लोगों के बीच जाते हैं, कई ऐसे अभियान है, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, उन्होंने तो ये भी कह दिया एमपी का मतलब मेरा मास्क। देखिए दो बात है, जैसा मैंने कहा कि संक्रमण से रोकना एक बड़ी चुनौती है और उसके लिए जन जागरण बहुत जरूरी है, और पूरी दुनिया की स्टडी कहती है कि मास्क यदि हम लगाते हैं तो हम 90% इस बीमारी से और इस संक्रमण से बच सकते हैं, क्योंकि नाक और मुंह से ही जो हमारे ड्रॉपलेट्स हैं, जो यदि किसी कोरोना के पेशेंट के ड्रॉपलेट को यदि हम इनहेल करते हैं तो उससे हम संक्रमण होने का हमें खतरा होता है, और मास्क उसको रोक सकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूरी सरकार ने ये अभियान चलाया है, मैं आपके माध्यम से भी सभी को ये निवेदन करूंगा कि हम पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, ये संकट केवल और केवल आत्म अनुशासन से ही खत्म हो सकता है। आप कितना बदलाव देख रहे हैं ऐसे में, क्योंकि 6 अप्रैल को दांडी मार्च के टाइम से स्वास्थ्य आग्रह की जो शुरुआत की गई थी, इस अभियान की जब शुरुआत की थी सीएम ने, तो मेरा सवाल इसीलिए ये भी था कि वो जब सीएम लोगों के बीच जाते हैं और हालात को लेकर उनको समझाते हैं तो लोगों पर इसका ज्यादा असर होता है। देखिए निश्चित रूप से हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो जन जागरण चल रहा है, और केवल हम ही नहीं, जो मैं आपको आपको भी धन्यवाद दूंगा, संपूर्ण मीडिया को धन्यवाद दूंगा कि वो भी कोरोना प्रोटोकॉल को अपनाने के लिए लगातार जन जागरण कर रहा है, उससे स्थितियां बहुत ठीक हुई हैं, लोगों ने अब मास्क लगाना शुरू किया है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, लोग अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों का लोग बहिष्कार कर रहे हैं, शादी सीमित हो गई है, तो ये सब जन जागरण से ही होता है। यदि कोई किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं आता है, पूरी सरकार आती है, तो उसका भी फर्क पड़ता है, और आप जैसे यदि मीडिया हाउसेस भी आते हैं तो उसका निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ता है। मैं एक बार फिर से आपकी कही बात को दोहराना चाहूंगी, आप साफ कह रहे हैं कि सीएम साहब लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है और ना ही इस तरह हालात को काबू में करते हुए देखते हुए कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन हालात को लेकर तैयारी पूरी है राज्य की। अब मेरा सवाल आपसे यही है, क्या आपको लगता है ऑक्सीजन की कमी आपने कहा नहीं है, उस हालात को मॉनिटर किया जा रहा है, वैक्सीनेशन को लेकर भी कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं जगह ऐसी है जहां पर कालाबाजारी भी हो रही है और उस पर रोकथाम का भी वक्त है? देखिए जैसा मैंने सभी आपसे पहले कहा कि यदि इस तरह की कोई भी स्थिति बनेगी तो हमारे तरफ से पूरी तरह से ये निर्देश हैं कि कालाबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो और उनको सख्त रूप से ये हिदायत दी गई है, यदि ऐसा कोई भी काम करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे दवाई का मामला हो, या कोरोना या बाकी भी किसी भी मामले में यदि कालाबाजारी होती है तो मध्य प्रदेश में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंडिया टीवी को आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी बात मध्य प्रदेश को कोरोना के डर और प्रकोप से अगर मुक्त कराना है तो एमपी का नया अर्थ यहां पर समझाया जाता है, जिसका अर्थ है एमपी मतलब मास्क पहनो। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास सारंग जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी, वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।